हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है और धूप भी अच्छी निकली हुई है। आज गार्बेज का डे है और आज किचन वेस्ट का गार्बेज जाएगा जो कि ग्रीन बॉक्स में हम डालते हैं। मुझे जॉब में भी निकलना है और आज मुझे अपने गाड़ी में गैस भी भरवानी है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डेमो गैस स्टेशन है जो कि मेरे जॉब के पास ही है। और यहाँ पे सेल्फ सर्विस नहीं है, ये लोग खुद ही हमारी गाड़ी में गैस भरते हैं। मोस्टली हमें गैस अपने गाड़ी में खुद ही भरनी पड़ती है। आज मैंने अपने स्टोर से ये कुछ फैब्रिक ख़रीदा है जो कि मैं इनकी कुर्तियाँ बनाऊंगी। ये जो ब्लू कलर का है ये डेनिम एम्ब्रॉयडरी कुर्ती का कपड़ा है और इसका मैं लॉन्ग टॉप बनाऊंगी। और जो अनदर वन है जो ऑफ वाइट है, ये कॉटन का एम्ब्रॉयडरी है, फ्लावर इसमें है थोड़े थोड़े। सो इसकी भी मैं लॉन्ग और स्लीव कुर्ती बनाऊंगी और इसमें लेस लगा के कुछ लॉन्ग कुर्ती बनाऊंगी। और ये हमारे यहाँ पैटर्न मिलता है। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है आटे का चीला। आटे चीले के लिए हमें मटर चाहिए, लहसुन, अदरक, एक अंडा चाहिए, धनिया और स्वाद अनुसार नमक, मिर्च, हल्दी चाहिए। और सबसे पहले हम आटे को अच्छी तरह से पानी में घोल देते हैं और मटरों को ग्राइंड करके उसमें अदरक, लहसुन और अंडा डाल के ग्राइंड करके उसे आटे में मिक्स करके एक अच्छी तरह पेस्ट बना लेते हैं। साथ में हमें चटनी बनाने के लिए हरा धनिया, हरा प्याज, लहसुन, अदरक, नींबू, टमाटर, स्वाद अनुसार नमक, मिर्च डालते हैं और साथ में शिमला मिर्च भी डालते हैं उसमें थोड़ा सा स्वाद को डिफरेंट करने के लिए।
हमारा पेस्ट तैयार हो गया। इसे हम पैन में डालते हैं, पैन में थोड़ा सा तेल डाल के उसको गरम करते हैं, और उसमें जैसे हम डोसा बनाते हैं ऐसे ही उसमें उस बैटर को डाल के स्प्रेड करके उसे गोल शेप दे देते हैं, और उसको पकने के बाद अच्छी तरह सेक के उसे निकाल लेते हैं, और फिर उसको चटनी के साथ हम सर्व कर लेते हैं।